तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपके मोबाइल पर फ्री में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो में सभी के लिए तीन महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिए हुए फौजी भाइयों के लिए ORPOP को लेकर लेटेस्ट अपडेट। दूसरी खबर, टोल प्लाजा पर अब ऑन सर्विस फौजी भाइयों एवं पूर्व सैनिकों को मिलेगी छूट। तीसरी खबर, CSD कोटा लिक्वेर कोटा को लेकर बड़ी अपडेट। सबसे पहले बात करेंगे आपके टोल प्लाजा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज को लेकर, डिफेंस पर्सनल के बारे में टोल प्लाजा पर छूट के बारे में कई सारे रूल्स बने हुए हैं और उस रूल्स के अंतर्गत डिफेंस पर्सनल भाइयों जो ऑन सर्विस है उनको भी और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी टोल प्लाजा पर छूट मिलती थी, लेकिन कुछ समय पहले इसे बंद कर दिया गया था और उनको छूट मिलना बंद हो गई थी। लेकिन अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि 16 दिसंबर 2022 को एक संस्था द्वारा विजय दिवस का आयोजन किया गया था जिसमें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को भी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने 1971 में भारतीय सैनिकों द्वारा बहादुरी पूर्वक पाकिस्तान पर प्राप्त की गई विजय का गुणगान किया और इसके अलावा सभा में मौजूद कई पूर्व सैनिकों के संबोधित करते हुए उनका सम्मान किया। इस मौके पर नितिन गडकरी द्वारा पूर्व सैनिकों से ये वादा किया गया है कि केंद्र सरकार में वे पूर्व सैनिकों के लिए नेशनल हाईवे पर टोल देने में छूट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक आशा जगती है कि अब पूर्व सैनिकों को नेशनल हाईवे से गुजरते हुए टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब मुख्य प्रश्न ये है कि आखिर टोल टैक्स को लेकर हमारे लिए क्या क्या रूल्स लागू थे और क्या रूल्स लागू नहीं थे, उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अभी आई बटन के ऊपर एक लिंक आएगा, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से रूल के तहत आपको छूट मिलती थी और इसे कब बंद कर दिया गया। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ताकि टोल प्लाजा पर किसी भी वर्दीदारी एक फौजी का या पूर्व फौजी का किसी के साथ में आत्मसम्मान से लेकर कोई बवाल ना मचे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दूसरी खबर हमारे फौजी भाइयों को CSD से मिलने वाला लिक्वेर कोटा के बारे में है। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा 15 जून 2022 को जारी किए गए एक डॉक्यूमेंट के अनुसार ही CSD का कोटा निर्धारित किया जाएगा। इसलिए सैनिकों की जो रैंक होती है उसी के अनुसार उन्हें CSD में कोटा दिया जाएगा। पूर्व सैनिकों की PPO के अंतर्गत जो रैंक आती है उसके अनुसार CSD का एंटाइटलमेंट भी दिया जाएगा। अर्थात कहीं फौजी भाइयों का ये क्वेश्चन हमारे पास आता था कि सर हमें CSD से अगर लिक्विड कोटा लेना है तो हमको किस रैंक के अनुसार लिक्विड कोटा मिलना चाहिए। कई सारे फौजी भाइयों के पास ऐसी समस्याएं होती है, जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो उनके PPO में रैंक कुछ और लिखा होता है लेकिन ऑन ग्राउंड उनका रैंक कुछ और होता है। यहाँ पर इस न्यूज़ के मुताबिक कहने का मतलब ये है कि उनके PPO में जो रैंक लिखा हुआ है उसके अनुसार ही उनको CSD के कोटे का लाभ मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी खबर है हाल ही में ORPOP का टेबल जारी होने को लेकर। वहाँ पर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिए हुए सोल्जर्स को उनमें से बाकात रखा गया है, लेकिन अब इसकी लड़ाई शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। कर्नल अमित कुमार ने ट्विटर के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट किया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ORPOP रिक्रूटमेंट चैलेंज द डिस्क्रिमिनेशन विथ प्रीमेच्योर रिटायर्ड सोल्जर्स। क्वेश्चन क्या है? डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्नेड मनी बाय कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली एफिडेविट एंड वन पिटिशन विथ नमरियोश रिटायर्ड इज नीडेड।
मतलब कि आपको अपनी मेहनत से कमाई हुई पैसों को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज डिफेंस में 60% से ज़्यादा सोल्जर्स प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आ रहे हैं, और अगर पिछली ORP में उनको ORP का फ़ायदा दिया गया है तो अभी उनको ORP का फ़ायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए ज़रूरत है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हमारे पूर्व सैनिक याचिका दायर करें और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। उनको ORP ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ये एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसका अंत पॉजिटिव आएगा अगर हम सभी मिलकर एक बार मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी फौजी भाई को रिटायरमेंट के बाद अपना फ्यूचर बेस्ट करना है तो उसके बारे में हमने बेस्ट रिटायरमेंट प्लान का एक वीडियो बनाया हुआ है। अभी एंड स्क्रीन में आपको ये वीडियो दिखाई देगा, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास सही न्यूज़ पहुंच सके, सही जानकारी पहुंच सके और वो भी अपने भविष्य के बारे में सोच सके। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपके मोबाइल पर फ्री में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए।